मेहरबानी, ये हमारी VTH 5121EW-H है, न्यू मॉडल हमारा। तो बेसिक तो इसमें ये है कि जो है ना, इसकी इंटीरियर और एक तो लुक है कि ये हैंडसेट के साथ है, ठीक है। दूसरा, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सिर्फ फर्मवेयर सपोर्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसके जो है ना दो सेटिंग्स के मोड हैं। पहला सेटिंग है वन क्लिक के ऊपर। वन क्लिक के ऊपर जब करते हैं आप, तो इसमें बेसिक सेटिंग आएगी, जैसे रिंग की सेटिंग है, कितनी देर तक कॉल रिंग बेल बजे और उसके बाद बिजी दे दे आपको, वो सारी सेटिंग्स है। इसके बाद मोड्स हैं, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड भी अवेलेबल है कि आपको कोई बेल आती है तो बेल ना बजे, सिर्फ ऐसे कॉल चल रही हो, ठीक है। अलार्म आपके इनपुट आउटपुट्स कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। मोड है मतलब कि जो आप अलार्म कॉन्फ़िगर करते हो इसके साथ, एक्सटर्नल जो आपके जो सेंसर्स होते हैं, जो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी इसमें अवेलेबल है। अवे स्लीप में जो है ना, आप बंद करके सो, ठीक है, जैसे ही आप घर से बाहर जा रहे हो उसको इनेबल कर दो तो वो एक्टिव हो जाएगा। इसमें कॉल फॉरवर्डिंग भी है। वो क्या है? कॉल फॉरवर्डिंग ये होता है कि जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना मल्टीपल वीडियोस लगाई हुई हैं, मल्टीपल वीडियोस लगाई हुई हैं, एक कॉल करता है ये बिजी हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। इन द मीन वाइल दूसरी कॉल करता है, दूसरी डिवाइस भी कॉल कर लेती है, तो उसको पता चलेगा ये बिजी है। तो सिप में ये ऑप्शन होता है ना कि कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसमें जो नंबर दोगे ना आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जब ये कॉल इसके ऊपर बिजी हो तो जो है ये, सॉरी, बिजी के ऊपर जो है ना 9902 पे कॉल फॉरवर्ड हो जाए, ओके किया, सेट ऑफ सक्सेसफुली हो गया। अब क्या होगा, ये 9901 है, जैसे ही कॉल ये बिजी करेगा तो बिजी के बाद आपको कॉल दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगी कॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने नहीं पिक करनी, ऊपर वाले ने पिक करनी है, मैं इधर से रिजेक्ट करूँगा, रिजेक्ट भी तो बिजी होता है ना फ़ोन में, ऐसे ही होता है ना, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला उठाए फ़ोन, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा कॉल और ऊपर कॉल शिफ्ट हो जाएगी दूसरे फ्लोर पे, क्योंकि दो बटन है ना, ठीक है, तो वो रिजेक्ट करके ऊपर भेज देगा कॉल, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, यूज़र पासवर्ड अगर चेंज करना है, और वीडियो का टाइम, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट इन्फो में ये आपको फर्मवेयर की डिटेल दे रहा है। एक है आपने सेटिंग्स जो करनी है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, उसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है सेटिंग्स के बटन को। उसके बाद पासवर्ड वही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें इसका आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। वीटीएस सेटिंग में आप जो है यहाँ पर हैश के साथ जीरो लगा रहे हो, ये जीरो आईडी हो गई, वीटीएच की आईडी हो गई। फॉर एग्जांपल ये VTH1 है, इसके साथ हम स्लेव लगाते हो, जैसे मल्टीपल कॉलिंग के लिए लगाते थे हम, एक्सटेंशन बनाते हैं, मास्टर में जीरो आ जाएगी और एक्सटेंशन जब क्लिक करोगे तो इधर वन होता जाएगा, 2 3 4 5। उसके बाद यह यहाँ पर आप उसका मास्टर का आईपी दोगे और उसका पासवर्ड दोगे, तो ये अभी हम क्योंकि मास्टर मोड में कर रहे हैं तो ये मास्टर मोड में एक हैश के साथ जीरो VTH1, ओके हो गया। इसके बाद सिप सर्वर। सिप सर्वर क्या है, आपने इधर VTO की कॉन्फ़िगरेशन दे दी। VTO की कॉन्फ़िगरेशन कैसे दोगे, VTO का आईपी 109 है, ठीक है, नेटवर्क पोर्ट सिप वाली, ठीक है। अभी हम वो दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्टर पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है, उधर VTO में भी चेंज नहीं करना, इधर भी चेंज नहीं करना बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नॉर्मली ये होता है एडमन होता है या 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम VTO की सेटिंग कर रहे हैं, VTO की सेटिंग इसके अंदर डाल रहे हैं, सिप के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, VTO की सेटिंग में वेब की 1 2 3 4 5 6, ओके, ठीक है। सिप में जो है ना आपने, ये तो एक VTO की आईपी आ गई, सिप पोर्ट आ गई, ठीक है। और जैसे यूज़र नेम क्या होगा आपका, जो ये आपकी डिवाइस की आईडी होगी ना जो आपने यहाँ पे बनी है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा यूज़र नेम, ठीक है। पासवर्ड आपने चेंज नहीं करना, और यूज़र नेम पासवर्ड में आपको VTO का यूज़र नेम पासवर्ड देना है, VTO का, ठीक है। तो ये ओके करेंगे, इनेबल करेंगे, तो ये सिप कनेक्शन मेक हो जाएगा। अब आ जाते हैं VTO कॉन्फ़िग में, VTO में कौन सी VTO ऐड करानी है आपने। 109 जो है आपकी सर्वर है, ये सर्वर है इस वक्त, ठीक है, सिप सर्वर जिसको हम बोल रहे हैं। 109 आईपी आ गया, एडमन, ठीक है, पासवर्ड दे दिया एडमन 123 और इसको इनेबल कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये जो है आपका कनेक्शन इधर से कंप्लीट हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं वेब सेटिंग्स पे। वेब सेटिंग में सबसे पहले आपने VTO के जब आईपी ब्रोज करना है तो नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपने ये चेक करना है कि ये सिप इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनेबल करें, तो ये एक दफ़ा रीबूट होगी, ठीक है, डिवाइस। और सिप मोड में आपके पास ये सारी सेटिंग आपकी ऑलरेडी एडजस्ट कर लेगा खुद ही,
आप मैनुअली भी कर सकते हो इसको, जब आप इनेबल करोगे उससे पहले अगर सेटिंग करके इनेबल करोगे तो वही सेटिंग आपकी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट चला रहे हैं सेटिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास ये अगर इनेबल नहीं है तो इनेबल कर दें, और यही सेटिंग आप डालेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा ये जो आईपी ये जो देता है ये एक्स्ट्रा आईपी होता है सिप में, गेटवे के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इसका आईपी था 109, तो ये 111 क्यों दे रहा है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा आईपी आ गई, ठीक है, जिस पे ये कॉल फॉरवर्ड या वो जो आईडीज़ का चेंज करता है वो उसके लिए ये, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब हम सेटिंग करेंगे हाउस होल्ड सेटिंग्स में जाके, रूम नंबर जो ये इसका रूम नंबर है वीटीएच का, हमने क्या रखा था 9901#0, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें नाम इसका रख सकते हैं फॉर एग्जांपल फ्लोर वन, ठीक है, फ्लोर वन, फ्लोर वन, ठीक है। रूम नंबर क्या था इसका 90#01, ठीक है, सेव करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी ऐड कराया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये इस वक्त शो हो रही है 9901#0, ठीक है। जब आपने ऐड करा लिया इसको इसके अंदर वीटीओ के, अच्छा ये ख्याल रखना है इसकी सेटिंग इसमें डालनी है, इसकी सेटिंग इसमें भी डालनी है ना, ताकि वो कम्बिनेशन बन जाए और वो हो जाए। और कम्बिनेशन कब बनता है, जब आपके पास दोनों में सेम वर्जन हो, दोनों के अंदर कंपेटिबल वर्जन होगा तो वो सेम वो करेगा ना, सिंक करेगा। सिप का दोनों के अंदर ऑप्शन है, ठीक है, ये भी सिप इनेबल है, वो भी सिप इनेबल है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसकी सेटिंग डाल दी तो आप स्टेटस से वेरीफाई कर सकते हो ये डिवाइस आपकी ऑनलाइन शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका डेमो करते हैं कि हमने जो है ना इसकी कॉल किया तो ये कॉल आपके पास रिसीव हो गई, ठीक है। हाँ जी,